2020, द वर्स्ट ईयर एवर। 2020 किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर 2020 वर्स्ट ईयर ट्रेंड होता रहता है। पर मेरा यकीन मानिए, मानव इतिहास ने इससे भी कहीं ज़्यादा भयानक समय देखा है। चाहे वो 1920 की स्पेनिश फ्लू हो, जिसने करीब 5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, या फिर 1349 में आई ब्लैक डेथ, जिसने यूरोप की आधी आबादी खत्म कर दी थी। पर इन सभी से ज़्यादा भयानक एक ऐसा समय भी दर्ज है इतिहास में, जब सूर्य करीब 2 साल के लिए चांद बनकर रह गया था। एक ऐसा साल जिसमें नेचर का कहर, भुखमरी और महामारी तीनों एक साथ इंसानों पर कहर बरसाया था। एक ऐसा समय जिसने बड़े बड़े इतिहासकार भी जीने के लिए सबसे कठिन समय बताते हैं। तो दोस्तों, वो साल था ईस्वी सन 536, द वर्स्ट ईयर एवर। तो चलिए थोड़ा इतिहास में जाकर पता करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जो ईस्वी सन 536 को मानव इतिहास का सबसे बुरा समय बनाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल मैकमोहक ने ईस्वी सन 536 के समय को इंसानों के जीने के लिए सबसे बुरा समय बताया। इसकी शुरुआत एक रहस्यमय धुंध से होती है जो अचानक से धरती के आधे हिस्से पर फैल गई। यह कोई ऐसी वैसी धुंध नहीं थी जो शाम को आई और सुबह निकल गई। यह धुंध इतना घना था कि पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्से अंधकार में डूब गए। दिन हो या रात, ऐसा लगता था कि जैसे आसमान में सूरज था ही नहीं। तब के इतिहासकार प्रोकोपियस की माने तो ऐसा लगता था कि सूर्य चांद बन गया था। ऐसा तकरीबन 2 साल तक चला। पर सूर्य की रोशनी ना होने की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई। औसतन तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक रह गया था। चीन में गर्मियों के मौसम में भी बर्फ पड़ने लगी थी। ईस्वी सन 536 का दशक पिछले 2000 सालों में सबसे ठंडा दशक था। इसे आप आइस एज भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो वहीं सूरज की रोशनी ना होने की वजह से फसलें खराब होने लगी। अनाज का अकाल पड़ने लगा, जिसकी वजह से भुखमरी अपनी चरम सीमा पर थी। तो वहीं आयरलैंड में इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला, जिसे ब्रेड फेलियर का नाम भी दिया गया। जैसे इतना कुछ काफ़ी नहीं था कि प्लेग नाम की महामारी पहली बार ईस्वी सन 541 में इजिप्ट के ईस्टर्न रोमन में दस्तक देती है। सूर्य की रोशनी ना मिलने की वजह से लोगों में विटामिन डी का काफ़ी अभाव हो गया था, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया था और पूरा ईस्टर्न रोमन इस महामारी की चपेट में आ गया। बॉडी में सूजन इसके शुरुआती लक्षणों में से एक थे और यह सूजन इतना बढ़ जाता था कि अपने आप पल्स बाहर आ जाते थे। शुरुआत में लोगों ने इसे भगवान का प्रकोप समझा। रोज 15,000 से 30,000 लोग मरने लग गए थे। तब के राजा जस्टिनियन ने यह ऑर्डर दिया कि घरों से लाशों को कलेक्ट करके उसे समुद्र में फेंक दें, ठीक उसी तरह जैसा हर सुबह कचरे वाली गाड़ी घरों से कचरा इकट्ठा करती है। पर यह लाशें खुले में ले जाने की वजह से जो इस बीमारी से बचे थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। देखते ही देखते 60 से 80% जनसंख्या खत्म हो गई। यही कारण है कि इस प्लेग को जस्टिनियन प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। पूरे यूरोप को तकरीबन 1 सेंचुरी लग गए इस आपदा से बाहर निकलने को। यही कारण है कि 6वीं शताब्दी को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। पर वो रहस्यमय धुंध आई कहाँ से थी? यह काफ़ी समय तक एक रहस्य ही बना था। हाल ही में रिसर्चर्स ने अपनी खोज में पाया कि आइसलैंड में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से यह हुआ था। तो वहीं आगे चलकर ईस्वी सन 540 और 547 में 2 और ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। तो दोस्तों, खुद को लकी फील करें कि हम आज के टेक्निकल जमाने में जी रहे हैं और इन सभी सिचुएशन से कैसे निपटना है यह हमें अच्छे से पता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।